हे गाइस, कैसे आप सभी लोग आ चुके हो एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। अब यार आप सबको पता है आज के दिन जो जुजुत्सु काइजन का जो नया मतलब मोड यहाँ पे आ चुका है एंड उसका जो क्रिएट है वो कहाँ मिलता है, सभी के सभी लोकेशन जो एरंगल की मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी अगर स्किप करते तो आपको एक भी लोकेशन मिस होती है तो आपको जो यहाँ पे फ्री वाला टाइटल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये वाली जो एरंगल की 10 की 10 लोकेशन है अगर आप करते हो एक ही मैच में कंप्लीट तो आपको जो फ्री का टाइटल मिलने वाला है। बट आपको जो एरंगल मैप की 10 लोकेशन एंड साथ ही साथ जो लिविक मैप की 10 लोकेशन यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जैसे आप उस क्रिएट को ओपन करोगे यहाँ पे आपको लूट मिलेगी, लूट के साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका जो एक सीड मिलेगी जिस सीड के जो आपका जो यहाँ पे मिशन कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का एंड सारी लोकेशन को देखते हैं। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लोकेशन आती है सबसे पहले तो प्रिज्म में। आई नो सबको पता होगा प्रिज्म की ये मेन बिल्डिंग कहाँ पे है, तो आपको जो प्रिज्म की इस मेन में लेके आ जाना है। एंड जैसे आप प्रिज्म की इस मेन बिल्डिंग के टेरेस पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक क्रेट देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके का इसका क्रेट होने वाला है। जैसे आप इसके पास आओगे आपको यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको जो है इस वाले क्रेट को जो है यहाँ पे ओपन कर लेने। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें गन मिल चुकी है एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे रैंडम वेपन एंड कुछ भी यहाँ पे आपको एनरोल मिल सकता है। एंड जैसे आप अपना बैकपैक यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके बैकपैक में वो सीड आ जाएगी। तो अब आ रही है ये थी प्रिज्म वाली लोकेशन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। तो यार नेक्स्ट लोकेशन आती है अपने मेल्टा पावर में। तो मेल्टा पावर के आपको सबको पता है जहाँ पे हम स्पाइडरमैन वाला मोड था उसी जगह रोबोट की फाइट होती थी, उसी वाली लोकेशन पे आपको सेम आ जाना है। एंड जैसे यहाँ पे आप पापते हो तो यहाँ पे आपको एक क्रेट देखने को मिल जाती है, बिल्कुल सेम क्रेट है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है, देख सकते ये वाली मेल्टा पावर में लोकेशन है एंड सिंपली आपको इस वाले क्रेट को भी यहाँ पे ओपन कर लेना है। एंड सेम टू सेम आपको यहाँ पे रैंडमली कोई भी गन मिलेगी एंड उसके बाद आपको जो उसके साथ साथ आपको एक और सीड मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे बैग में जो है 2 सीड हो चुके हैं। अभी चलते हैं तीसरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे हमारी जो तीसरी लोकेशन है वो है मिलिट्री बेस में। एंड यहाँ पे जो आपको मिलिट्री बेस का ये वाला टावर पता ही होगा, तो आपको जो इस टावर के नीचे वाले यहाँ पे आ जाना है। एंड जैसे यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो ये क्रेट लूटेड है। बट यहाँ पे आप फिर भी यहाँ पे आपने कितनी भी मतलब दो बार मतलब जितने भी 4 टीममेट है तो 4 बार इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। तो यार हमारे यहाँ पे क्रेट ओपन हो चुकी थी एंड यहाँ पे हम एनिमी के हाथों नॉक हो चुके। तो चलो कोई ना, यहाँ पे हमारे क्रेट तो ओपन हो गए थे एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट भी हो चुका था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फोर्थ लोकेशन की ओर। तो यार फोर्थ लोकेशन आती है अपनी शूटिंग रेंज में। तो आई नो शूटिंग रेंज में आपको ये वाले टारगेट बोर्ड पता होंगे, तो यहाँ पे इस टारगेट बोर्ड के पास आ जाना एंड यहाँ पे आपको वो वाला क्रेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप मैप भी देख सकते हो, तो यहाँ पे जैसे आप सिंपली क्रेट को ओपन करोगे सेम आपको रैंडमली गन मिलेगी एंड उसके साथ आपको जो बैकपैक में वो वाली सीड भी देखने को मिल जाएगी, मतलब जो कि शूटिंग रेंज की होगी तो वो वाली सीड भी आपको बैकपैक में मिल जाएगी। तो यार ये वाली थी शूटिंग रेंज वाली जगह। तो अभी चलते हैं हमारी फिफ्थ वाली लोकेशन पे। तो यार फिफ्थ वाली लोकेशन है अपनी हॉस्पिटल में। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में आ जाना है। जैसे आप हॉस्पिटल पे आते हो तो इस वाली साइड आ जाना है आपको, मतलब जॉर्जोपोल की जो सिटी है उस वाली साइड आ जाना है। एंड जैसे आप वहां से आते हो तो विंडो से आपको बाहर जंप करना है एंड यहाँ पे जो आपको इस वाली छत पे ये वाली क्रेट देखने को मिल जाती है। तो यार चलिए फटाफट से इस क्रेट को भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो इस वाली लोकेशन पे आपको ये वाली क्रेट देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं एंड जल्दी से यहाँ पे से सीड कलेक्ट करके नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। तो यार नेक्स्ट लोकेशन है अपनी पोचिंग के में। तो पोचिंग के ये वाले जो साइड का जो टनल है जहाँ पे आपको पता होगा स्पाइडर वेब लास्ट टाइम उस वाली साइड मिलती थी, तो इसी वाली सेम आपको अपोजिट वाले ये वाले मैप के अंदर आप देख सकते हो इस वाली साइड आ जाना है। जैसे आप इस वाले टनल के अंदर आते हो तो यहाँ पे भी आपको एक सीक्रेट क्रेट देखने को मिल जाएगा एंड सिंपली आप उसे भी आप ओपन करके वो वाली सीड यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो ये थी पोचिंग की वाली लोकेशन। अब आप आते हैं सेवंथ वाली लोकेशन पे बढ़ते हैं। तो यार सेवंथ वाली लोकेशन आती है अपनी रुइंस में। तो रुइंस में आपको पता है जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है उसके पास आपको आ जाना है। तो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग आपको पता है कोई भी क्रेट आती है तो इसी बिल्डिंग के आसपास ही होती है। तो चलिए फटाफट से इस बिल्डिंग के आसपास आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली क्रेट यहाँ पे है, मैप में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये क्रेट ओपन है, तो फिर भी हम वापस से इसे ओपन कर सकते हैं, हम और आपका टीममेट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हमने ओपन किया, हमें लूट तो कुछ नहीं मिली बट हमारे बैग में जो है वो वाली सीड आ चुकी है। तो यार आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर कोई भी क्रेट ऑलरेडी ओपन होगी तो फिर भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, चाहे आपको लूट नहीं मिलेगी बट आपके जो मिशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके बैकपैक में वो वाली सीड भी आ जाएगी। तो यार अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो हमारी 8th लोकेशन आती है यहाँ पे यसनाया पुलियाना में, यानी कि यसनाया का जो चर्च है वहाँ पे आपको आ जाना है। एंड जैसे आप यहाँ पे चर्च के पास आते हो तो सिंपली आपको सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ वाले इस वाली जगह जब एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली लोकेशन पे आपको ये वाली क्रेट देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आपको इसको भी ओपन कर लेना है एंड जैसे आप ओपन करोगे आपको सेम यही सेम लूट यहाँ पे देखने को मिलने वाले एंड आपके बैग में भी वो सीड भी आ जाएगी। तो अभी बढ़ते हैं हमारे 9th लोकेशन पे। तो यार 9th लोकेशन सबसे ईजी है। तो आपको जो यहाँ पे स्कूल
पूल वाले स्विमिंग पूल वाले लोकेशन पे आ जाने। आई नो सबको पता होगा स्विमिंग पूल कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आ जाने। जैसे देख सकते हैं हमारी लैंडिंग काफी खतरनाक हुई, सीधा क्रेट के पास ही लैंडिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको स्कूल के अंदर ये वाली सीक्रेट क्रेट भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ से भी आपको वाली सीड यहाँ पे कलेक्ट कर लेनी है। तो गाइस अभी बढ़ चाहिए लास्ट टेंट लोकेशन। तो लास्ट जो टेंट जो लोकेशन है मतलब दसवीं जो लोकेशन है वो आती कौरी में। बट यार कौरी में हम ढूंढने गए थे, जहाँ तक मैंने ढूंढा तो वहाँ पे मुझे लोकेशन एग्जैक्ट मिली नहीं। अगर आपको मिली है क्या कौरी में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फिर। बट जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं लिविक के ऊपर डालूंगा, मतलब जितनी भी लिविक की लोकेशन है, यानी कि यहाँ पे आप अपने एरंगल मैप की जो है 10 लोकेशन हो चुकी है, तो लिविक की जितनी भी लोकेशन है उसका जो नेक्स्ट पार्ट डालूंगा उसमें मैं कौरी की लोकेशन भी कवर कर दूंगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा एंड काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो जाकर फटाफट से सारे क्रिएट्स ओपन कर लो, सारी लोकेशंस पे जाके एंड कर लो अपना अचीवमेंट कंप्लीट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी लिविक पार्ट के ऊपर आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि वो भी उसकी लोकेशन आपको सबको पता चल जाए।